हेलो व्यूअर, इस वीडियो में हम ऑर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्टिकल किसे कहते हैं? जैसा कि ए, एन एंड डी। फिर इसमें दो किस्म है, ए एंड एन। ये वो किस्म है जो कॉमन नाउन से पहले यूज होता है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट ऑर्टिकल बिकॉज इट डजंट स्टेट विच पर्सन और थिंग। मतलब ये है कि ये हमें नहीं बताता है कि मतलब कोई खास चीज नहीं होता है, जैसा कि ए टीचर, मतलब कोई भी टीचर हो सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये ए एंड एन वाले आर्टिकल में आता है। फिर दूसरा किस्म है दी। अब ये दी प्रॉपर नाउन से पहले यूज होता है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, दी पाकिस्तान। अच्छा, फिर इसके बाद है वावल। वावल ये कुछ अल्फाज है, फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, और कभी कभार वाई भी वावल में आते हैं। वावल किसे कहते हैं? मतलब एक हरफ को खुले आवाज की नुमाइंदगी करते हैं, इसे वावल कहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एन एप्पल, एन इंजीनियर, एन ऑनियन। अब एप्पल के स्टार्ट में ए आ रहा है, इंजीनियर के स्टार्ट में ई आ रहा है, तो ये वावल जब आता है तो उससे पहले क्या लगता है? एन लगता है। और अगर कोई कॉमन नाउन हो और स्टार्ट में ए नहीं हो तो फिर क्या यूज होगा? फिर ए यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। अच्छा, तो अगली वीडियो में हम टेंसेस को शुरू करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।